तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और हम क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो मन ही मन गुरु जी को प्रणाम करते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे, फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो था वो हमने छोड़ा था लोब्स के ऊपर। तो अभी हम जो है लोब्स पर आने से पहले, उसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू जान लेते हैं। और क्लास, आज की क्लास कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कवर करें और अच्छे से जो है थोड़ा डीप स्टडी करने की हम ट्राई करेंगे। ओके, सो लीवर के बारे में हमारे क्लास चल रहे थे, चार पार्ट लीवर के बारे में हो चुके हैं। एक ओवरव्यू, लीवर शरीर का जो है सबसे बड़ा एक ऑर्गन है, देखा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके एंडोक्राइन कुछ हार्मोन्स भी ये बनाते हैं और कुछ ये एंजाइम भी बनाते हैं। सो लीवर में इसके अलग अलग दो लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। मैं पिक्चर सामने रखता हूँ जिससे समझना आसान होगा इस तरीके से। सो लीवर के दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होता है, एक राइट लोब होता है। और उसको दो भागों में बांटने वाली एक लिगामेंट होती है जिसको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। ऐसी सारी लीवर के साथ में अलग अलग तरह की लिगामेंट्स जुड़ी हुई रहती हैं। तो हमने देखा था कॉमन हेपेटिक डक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या होती है। फिर हमने फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ग्लिसन कैप्सूल, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन, यहाँ तक हमने जो है डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लोब को मोस्टली जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बाकी इसको आगे जाके जो है आठ भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। सो राइट लोब जो है यह लीवर का सबसे बड़ा लोब होता है, जो हमारे पेट के दाहिनी तरफ स्थित होता है। और यह लीवर के अधिकांश क्षेत्र पर या जगह पर ये कब्जा करता है या उसका एक बड़ा पार्ट होता है। जहाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है, यहाँ मेरा कर्सर है, ध्यान दीजिए, ये हो गया राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब, है ना। तो राइट लोब जो है एक बड़ा एरिया कवर करता है लीवर का और लेफ्ट लोब एक छोटा एरिया कवर करता है। लेकिन सबके अलग अलग जगह पे पार्ट हैं, उनके अपने फंक्शन होते हैं। और लेफ्ट लोब जो है ये दाएं लोब से छोटा पेट के बाईं ओर स्थित होता है, यह शरीर के मध्य रेखा से बाईं ओर तक फैला रहता है। सो ये लेफ्ट तरफ रहता है। फिर होता है क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब क्या होता है और कॉर्डेट लोब, इसको हम थोड़ा सा पिक्चर से समझेंगे। सो
एक चीज को डिटेल में अगर समझने रहता है तो उसको हम जितना बारीकी से समझेंगे अभी आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में है ये है, इसमें दो तरह के सरफेस दिखाए गए आपको। इंफीरियर सरफेस यानी कि ऊपर से देखने में, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये इंफीरियर सरफेस, और सुपीरियर ये ऊपर से कैसा दिखेगा, तो ऊपरी भाग है। तो येलो कलर में जो है ये इसका लेफ्ट लोब है, ठीक। इसके बाद ये जो दूसरे कलर का आपको दिख रहा है बैगनी कलर का, ये है अपना राइट लोब। फिर कॉर्डेट लोब जो है ये है स्काई ब्लू, आसमानी रंग जो है उसमें आपको कॉर्डेट लोब है ये। और फिर आगे है क्वाड्रेट लोब जो कि ग्रीनिश कलर का आपको दिख रहा है पिक्चर में। सो क्वाड्रेट लोब जो है यह है गॉल ब्लैडर और राउंड लिगामेंट के बीच निचले हिस्से में स्थित एक छोटा लोब है। तो इसे शारीरिक रूप से लेफ्ट लोब का हिस्सा माना जाता है, लेकिन कार्यात्मक रूप से यह अलग है, यानी कि फंक्शन इसके अलग रहेंगे। क्वाड्रेट लोब जो है ये लीवर के पीछे के भाग पर अपर वेना कावा के नज़दीक स्थित होता है, और इसे राइट लोब का हिस्सा भी माना जाता है, लेकिन इसकी अपनी अलग ब्लड आपूर्ति होती है। फंक्शनल लोब, तो इनके जो है अलग अलग फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो इन लोब के अंदर जो है छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। तो पहला है क्लासिक लोबुलर एनाटॉमी। इसके अंदर हम देखें तो इसमें क्या है कि लीवर की जो रचना को क्लासिकल लोब्यूल्स के तौर पर जो है बताया जाता है, जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। लीवर सेल मैंने आपको बताया था, एक बार पिक्चर दिखाता हूँ तो इसमें थोड़ा समझने में आसानी। तो लीवर की जो लोब्यूल्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, यानी कि उसमें सिक्स कोने रहते हैं, कोन रहते हैं, और उनके अंदर होती हैं हेपेटोसाइट सेल होती हैं। जी, तो जो लोब होते हैं, लोब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल हैं। ये आपके सामने पिक्चर दिख रही है, और ये जो है यहाँ पर आप, जहाँ मेरा कर्सर है, ये सब जो है ये लोब्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये लोब्यूल्स हैं, ये हेक्सागोनल हैं। तो इस तरीके की जो शेप है, ये शेप जो है होती है लोब्यूल्स की। फिर इनके अंदर हेपेटोसाइट सेल होती हैं, जो ये दिख रही हैं ये हेपेटोसाइट हैं। और हर लोब के अंदर ट्राइड होता है। ट्राइड मतलब तीन चीजों से मिलकर बनने वाला पोर्टल ट्रैक्ट होता है, जिसमें पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है, और ये बाइलरी ट्यूब होती है, जिससे कि जो भी बाइल जो बनाया जाता है वो इसके माध्यम से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए आगे गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, फिर जरूरत के हिसाब से ड्यूओडेनम में
छोड़ दिया जाता है। और ये क्या है, यहाँ पर सेंट्रल वेन है। तो ये हेक्सागोनल जो है लोब्यूल का शेप होता है। आगे पढ़ते हैं इसको। सो ये इसकी जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है ये लीवर की फंक्शनल यूनिट का प्रतिनिधित्व करती है। इन लोब्यूल में एक सेंट्रल वेन होती है जो कि पिक्चर में दिख रही है, अभी मैंने आपको बताया था। इन लोब्यूल में एक सेंट्रल वेन होती है और सेंट्रल वेन के चारों ओर व्यवस्थित हेपेटोसाइट होती हैं जो कि सूक्ष्म स्तर पर लीवर के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सेगमेंटल एनाटॉमी। सो मॉडर्न लीवर एनाटॉमी के अंदर जो लीवर को हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है और हेपेटिक डक्ट, इन तीन तरह की रचनाओं के आधार पर इसको इसके 8 फंक्शनल सेगमेंट या कार्यों में इसको विभाजित किया गया है। सो लीवर के जो मुख्य कार्य हैं, लीवर के जो लोब हैं, अभी हम उसके फंक्शंस देखेंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं लोब के। सो पहला है न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग। सो लीवर लोब जो है पाचन तंत्र से अवशोषित पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट शामिल होते हैं। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो भी जहरीली पदार्थ हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना। तो लीवर लोब में हेपेटोसाइट हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करते हैं जिसमें कि दवाएं और विषाक्त पदार्थ शामिल है। तो आप जो भी हम मेडिसिन खाते हैं उस मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उन साइड इफेक्ट को निकालने का काम लीवर करता है। और उसके अलावा भी अगर कुछ हार्मफुल कंटेंट बॉडी के अंदर चला जाता है खाने के माध्यम से या किसी भी तरीके से, तो उसको भी जो है लीवर डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जिससे कि शरीर में आगे जाके जो है जब ब्लड आगे हार्ट में जाता है अपर वेना कावा के थ्रू, तो आगे जाके वो वायरस, बैक्टीरिया या हार्मफुल कंटेंट आगे ना बढ़े, तो उसको पहले ही जो है लीवर के अंदर मौजूद कफर सेल जो है खत्म कर देती हैं। तो पहला काम हो गया न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, दूसरा है डिटॉक्सिफाई करना, तीसरा है बाइल का प्रोडक्शन करना। तो लीवर लोब बाइल का प्रोडक्शन करते हैं जो कि फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। फिर है स्टोरेज, तीसरा दूसरा मुख्य काम हो गया। पहला ये कैटेगरी थी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैटेगरी के अंदर हमने न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, डिटॉक्सिफाई एंड बाइल प्रोडक्शन देखा। सेकेंड कैटेगरी है स्टोरेज। तो उसमें स्टोरेज में आता है पहला है ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो लीवर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को संग्रहित करता है, स्टोरेज करता है और ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार इसे छोड़ता है। तो लीवर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लिया जाता है और जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रक्त में छोड़ दिया जाता है, जिससे रक्त में एक बैलेंस बना रहता है ब्लड शुगर का। दूसरा है स्टोरेज में कि विटामिन और मिनरल्स का स्टोरेज करना। तो उसके लिए लीवर क्या करता है, लीवर फ्यूचर में उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण विटामिन ए, डी, B12 और आयरन को संग्रहित करता है। तो ये दो काम हो गए, पहला हो गया मेटाबॉलिज्म, दूसरा है स्टोरेज स्टोरेज करना, तीसरा है सिंथेसिस करना। पहला है सिंथेसिस की जो श्रेणी है उसके अंदर आता है प्रोटीन। तो लीवर जो है आवश्यक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जिसमें कि एल्बुमिन, क्लॉटिंग फैक्टर और एंजाइम शामिल। दूसरा है हार्मोन। सो लीवर मेटाबॉलिज्म और वृद्धि से संबंधित हार्मोन सहित हार्मोन के विनियमन करने के लिए और उसको रूपांतरण करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दो तीन मेन फंक्शन हो गए। पहला हो गया मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोसेसिंग हो गई,
डिटॉक्सिफिकेशन हो गया एंड बाइल का प्रोडक्शन हो गया। दूसरा था स्टोरेज। सो स्टोरेज में हमने देखा कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। दूसरा किसको स्टोरेज करता है, विटामिन और जो भी मिनरल्स होते हैं उनको, उनमें भी खासकर जो है विटामिन ए डी और B12 और साथ में आयरन वगैरह खनिज को जो है संग्रहित करता है। तीसरा है सिंथेसिस। सिंथेसिस में यह प्रोटीन, शरीर के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है जैसे कि एल्बुमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर और एंजाइम शामिल है। हार्मोन का सिंथेसिस करता है, तो लोभ से रिलेटेड क्या बीमारियां हो सकती हैं ये हमने देखे। लोभ, लोभ के फंक्शन देखे। अब उनसे संबंधित कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो लीवर में एक डिजीज है लीवर सिरोसिस। तो फाइब्रोसिस और लीवर की कमजोरी के कारण या उसके कम काम करने के कारण होने वाली पुरानी जो लीवर क्षति है या डैमेज है, ये सभी लोब को प्रभावित कर सकती है, जिससे यकृत यानी लीवर का कार्य बाधित हो सकता है और यह भी संभावना है कि यह धीरे धीरे जो है लीवर फेलियर की तरफ आगे बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस यानी कि लीवर की सूजन, जो कि अक्सर कई लोब को जो है प्रभावित करती है, तो लीवर के कार्य को प्रभावित कर सकती है और लीवर कैंसर जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। अगर किसी लोब में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए सर्जरी है, जैसे लोबेक्टोमी बोला जाता है, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। कैसे पता लगाएंगे कि लीवर के कौन से लोब में क्या परेशानी है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है। और लीवर के टिश्यू किस तरीके के हैं, उनमें क्या डैमेज हो रहा है, कोई कैंसर है क्या, तो उसके लिए बायोप्सी की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा लीवर के लोब्स। लीवर के लोब्स क्लियर हैं सभी को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने लोब देख लिए। धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लीवर के आउटर स्ट्रक्चर को समझते हुए हम लीवर के अंदरूनी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में जो है सेल तक पहुंचेंगे। हेपेटोसाइट सेल के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हमने लोब देख लिए हैं, अब हम देखते हैं लोब्यूल्स, जो कि पिक्चर आपके सामने है, ये है लोब्यूल्स। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लोब्यूल्स जो हैं लीवर की फंक्शनल यूनिट है, यानी कि लीवर का जो मुख्य कार्य होता है वो इनके माध्यम से किया जाता है, और लोब जो है इन छोटे छोटे लीवर के लोब्यूल से मिलकर बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि अभी बताया था, क्लासिक क्लासिक लोब्यूल। तो क्लासिक लीवर लोब्यूल एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसे षटकोणीय संरचना बोली जाती है, जो कि लीवर की कार्यात्मक इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक सेंट्रल वेन होती है, जिसे सेंट्रल वेन्यूल या केंद्रीय शिरा भी कहा जाता है, और ये चारों ओर व्यवस्थित होती है। सेंट्रल वेन आपको दिख रही होगी पिक्चर में, ये जो है यहाँ पर, ये जो नीले कलर में दिख रहा है ना, ये सेंट्रल वेन है, ये जहाँ कर्सर है। ये तीन अलग अलग तरह के लोब्यूल है, ठीक है। इसी पिक्चर में आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक, पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड क्या होता है, हेक्सागोनल के प्रत्येक कोने पर पोर्टल ट्राइड होते हैं, जिनमें निम्न शामिल होते हैं, क्या क्या होते हैं, पोर्टल वेन, पोर्टल आर्टरी और बाइल डक्ट। तो पोर्टल वेन क्या करती है, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो भी पोषक तत्व तो मिले हैं एब्जॉर्प्शन के साथ में, उस उन पोषक तत्वों से भरपूर रक्त की आपूर्ति करती है पोर्टल वेन जो है लीवर के सेल में।
पहुंचाती है पोषक तत्वों को। यहाँ पर आप जो नीले कलर का देख रहे हैं, कर्सर देखिए ऊपर, यहाँ पर एक रेड है, ये पोर्टल आर्टरी हो गई, ये पोर्टल वेन हो गई, और ये बाइल डक्ट हो गई। ठीक, तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसमें न्यूट्रिएंट्स तो हैं लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग ऑर्गन से जो भी ब्लड कलेक्ट होके आता है वो इसी के माध्यम से आगे मिलता है इसमें। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि आंतों से एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स इस तरीके से लीवर के, आप सोचिए यहाँ पर जो ये लोब्यूल्स है, लीवर की अंदरूनी रचना है, वहां तक ये पहुंचते हैं न्यूट्रिएंट्स। और जो भी सेल जरूरी न्यूट्रिएंट्स लेती है वो लेने के बाद, यूज करने के बाद अपना यहाँ पर पोर्टल वेन के अंदर वेन्यूल्स जो होते हैं उनमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल जो है डाल दिया जाता है। तो पोर्टल वेन हो गई, दूसरा है पोर्टल आर्टरी। पोर्टल आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड युक्त रक्त की आपूर्ति किसको करती है, लीवर को करती है। बाइल डक्ट हेपेटोसाइट द्वारा बनाया गया बाइल को बड़ी बाइल डक्ट तक ले जाने के लिए ये छोटी बाइल डक्ट काम करती है। ठीक है, इस तरीके से। सो इसको कहा जाता है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड में तीन तरह की रचनाएं होती हैं, पोर्टल वेन, पोर्टल आर्टरी एंड बाइल डक्ट। इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, जो लीवर लोब्यूल्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी सेलुलर रचना पे जाना पड़ेगा, जिससे अब इस पिक्चर में आप ध्यान दें, ये भी एक तरह का ट्राइड है, पोर्टल ट्राइड, और ये हेक्सागोनल रचना जहां मेरा कर्सर है, ये हेक्सागोनल रचना है, ये क्या है, लोब है। इस लोब लोब्यूल्स का, इस लोब्यूल्स का एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे तो ये रचना दिखेगी जो बड़ी वाली रचना आपके सामने दिख रही है। ठीक, अब इस रचना में, ये लोब्यूल्स की रचना में इनको समझने की कोशिश करेंगे, जो जो नए नए बर्ड आपके सामने सामने आएंगे उनको हम देख, आप इसमें देखते जाइए तो इसमें समझना आसान हो जाएगा। तो ये लोब्यूल्स के अंदर की रचना है जिसमें इस तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं जो अलग अलग सेल होती है। या फिर इसमें एक और तरीका है और अच्छा समझाने के लिए, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देखें, ये लीवर है, लीवर का एक हिस्सा निकाला, किसी लोब से काट के हिस्सा निकाला, ये लोब्यूल्स हैं जिसमें हेक्सागोनल रचनाएं हैं। फिर उन रचनाओं की डिटेल्स ये हैं। ठीक, ये सेल्स हैं यहाँ पर, ये सिनुसॉइड हैं जो एक तरह की नाली का काम करते हैं। ठीक, नाली या स्पेस, यहाँ पर एक जगह है। ठीक, सेंट्रल वेन कहाँ पर है, ये है, और सेंट्रल वेन की ब्रांचेस जो हैं ये अलग अलग जगह, ये ब्रांचेस है सेंट्रल वेन की। ठीक, तो अलग अलग ब्रांचेस से ध्यान देने वाली बात है, इसको अच्छे से समझिए क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होगा। पोर्टल वेन कहाँ से आती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, यहाँ पर समझ लीजिए, फिर मैं जो है उसका थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। पोर्टल वेन में इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, अलग अलग जगह से रक्त आया, न्यूट्रिशनल रक्त आया, वो कहाँ पर पहुंचा, और साथ में डीऑक्सीजनेटेड भी, ये भी ध्यान रखिए, न्यूट्रिशनल बट डीऑक्सीजनेटेड। पोर्टल वेन में रक्त आया, वो रक्त लीवर के अंदर लोब से होते हुए लोब्यूल्स तक पहुंचता है। ठीक, यहाँ पर ये पोर्टल वेन, या यूं कहें कि पोर्टल वेन के जो वेन्यूल्स हैं, छोटी छोटी जो रचना है उनको वेन्यूल्स बोला जाता है, ये यहाँ एंटर करती हैं।
लीवर सेल्स उसमें से जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो लेती हैं और अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। वो जाके कहाँ मिलता है? सेंट्रल वेन में जाके। ठीक, ये सेंट्रल वेन है। ठीक, ये जो सेंट्रल वेन है ये आगे जाके कहाँ मिलती है? इंटरलोबुलर हिपेटिक वेन में, और फिर ये आगे जाके वेना कावा में, इन्फीरियर वेना कावा में या सुपीरियर वेना कावा जो भी है, जो इसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है जो कि आगे जाके हार्ट से कनेक्ट होता है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, उसमें जाके ये मिल जाता है। ठीक, ये है उसका सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं वो है लोब्यूल्स के बारे में। तो लीवर के किसी एक लोब से हमने ये कट करके एक हिस्सा लिया, ये हो गया लीवर लोब्यूल्स। और लीवर लोब्यूल्स के जो कंपोनेंट है वो ये सब है। उसमें आ जाता है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड में एक होती है बाइल डक्ट, दूसरी होती है पोर्टल वेन, तीसरी होती है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी जो है शुद्ध रक्त लीवर की सेल को पहुंचाती है, और बाइल डक्ट जो है यहाँ से हेपेटोसाइट द्वारा बनाया गया बाइल को कलेक्ट करके आगे कॉमन बाइल डक्ट में भेज देती है, और पोर्टल वेन जो है यहाँ से जो भी न्यूट्रिशन है वो इन सेल तक पहुंचाती है, और आगे जाके ये सेंट्रल वेन में जुड़ जाती है। ये पिक्चर आपके सामने रहेगी तो आप इसको समझते रहें। तो पहला है कंपोनेंट ऑफ लोब्यूल्स, लीवर लोब्यूल्स। तो उसमें पहला घटक जो है वो है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट कोशिकाएं सेंट्रल वेन के माध्यम से फैली रेडिकल कॉर्ड्स में व्यवस्थित होती हैं, और ये जो है लीवर के अधिकांश मेटाबॉलिक फंक्शंस के कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। कौन? हेपेटोसाइट। दूसरा है सिनुसाइड या साइनोसाइड भी बोला जाता है इसको। ये हेपेटोसाइट कॉर्ड्स या हेपेटोसाइट डोरियों के बीच विशेष कोशिकाएं हैं, वे पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरी से रक्त को मिश्रित होने और हेपेटोसाइट के साथ निकट संपर्क में आने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर सिनुसाइड आपको दिख रहा है, ये जो है नीली जो है जगह है यहाँ पर होती है में, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पिक्चर में दिखेगा, बाकी बाद में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। फिर है सेंट्रल वेन। तो सिनुसाइड से ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्रित करती है सेंट्रल वेन। क्या करती है? ऑक्सीजन रहित मतलब कि ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, उसको कलेक्ट करती है और इसे लीवर वेन में बहा देती है, और अंततः यह इन्फीरियर वेना कावा या अपर वेना कावा में ये आगे छोड़ देती है। अभी हैंड रेज ना करें, आपका क्वेश्चन होगा तो हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो पहला इसके जो है हमने कंपोनेंट देख लिए, हेपेटोसाइड है, सिनुसाइड है, सेंट्रल वेन है। ठीक, नेक्स्ट इसका जो है अब हम देखेंगे ब्लड फ्लो। सो रक्त जो है पोर्टल ट्राइड से सिनुसाइड के माध्यम से सेंट्रल वेन की ओर बहता है। यह व्यवस्था रक्त और हेपेटोसाइट के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन और अवशिष्ट उत्पादों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ये ब्लड फ्लो है ना? इस ब्लड फ्लो के माध्यम से क्या होता है? हेपेटोसाइट को पोषक तत्व, ऑक्सीजन और ये प्रदान की जाती है, और उसमें आपस में ये चीजें एक्सचेंज होती हैं कि जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर का वो उसमें डाल दिया जाता है, और जो जरूरी चीजें वो ले ली जाती है। अगला है बाइल प्रोडक्शन। हेपेटोसाइट सेल जो है बाइल को बनाती हैं, और बाइल को जो है छोटे बाइल डक्ट जो हैं छोटी नलिकाओं में उसको बहा देती हैं, जो कि हेपेटोसाइट के बीच चलती हैं, और बाइल डक्ट से पोर्टल ट्राइड में
पित्त नलिकाओं की ओर बहता है। पित्त ये देखिए, यहाँ पर जो सिनुसॉइड सेल की बात हुई, आप इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, इस तरह की जहां मेरा कर्सर है वहां देखें, एक जो रेड डॉट वाली जो सेल है ये है हेपेटोसाइट सेल, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखिए ठीक, ये हेपेटोसाइट सेल है। इन हेपेटोसाइट सेल के बीच में ये है सिनोसॉइडल सेल, जो इस तरीके से दिख रही है, जो नीली है लेकिन उसके अंदर पिंक कलर का न्यूक्लियस है। ये पिंक कलर का जो डॉट दिख रहा है ये सिनुसॉइड सेल है, जो कि यहाँ पर फैली है। ये क्या काम करती हैं, अभी हमने क्या देखा, एक्सचेंज करने के काम आती हैं ये, ठीक है, ब्लड के माध्यम से जो है जो भी ऑक्सीजन है वो ले ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी, जो भी पोषक तत्व है उसको अंदर लिया जाएगा और वेस्ट मटेरियल को ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। तो ये है हेपेटोसाइट, ये है सिनुसॉइड, ठीक। और भी सेल होंगी जो हम बाद में उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला है फंक्शन ऑफ लीवर लोब्यूल्स, लीवर लोब्यूल्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंदर जो हमने तीन फंक्शन देखे थे सेम वही आएंगे जो हमने ऊपर पढ़े थे, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, डिटॉक्सिफाई एंड सिंथेसिस। दूसरा मेन फंक्शन था बाइल प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन। तीसरा जो हमने देखा था स्टोरेज, वो सेम रहेगा। इससे रिलेटेड जो डिजीज होती हैं लीवर लोब्यूल से रिलेटेड सेम है, लीवर डिजीज है, सिरोसिस है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर आ जाता है यहाँ पे। तो फैटी लीवर में क्या होता है, थोड़ी सी डिटेल, बाकी हम इसके ऊपर एक पूरा अलग ही लेक्चर होगा। तो इसमें हेपेटोसाइड जो होती है लीवर सेल्स में, फैट का संचय बढ़ जाता है, यानी फैट जमा ज्यादा हो जाता है, जो कि लीवर के जो लोब्यूल हैं उनके काम को बाधित कर देता है या उसमें डिस्टरबेंस पैदा करता है। अगर लीवर में कोई डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लोब्यूल से संबंधित चीजें अगर देखनी है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई है, लीवर की बायोप्सी होगी, और ट्रीटमेंट के तौर पे अगर इसमें सर्जिकल देखें तो लोबेक्टोमी होगी और लीवर ट्रांसप्लांट होगा। कुछ पैथोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसके पोर्टल वेन के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण लीवर लोब्यूल डैमेज हो सकते हैं, या वहां पर जो वेन्स हैं वो हेमरेज हो सकता है, फट सकता है, या फिर जो है एसाइटिस, पानी बनने जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फाइब्रोसिस और नोड्यूलर रीजनरेशन। तो पुरानी लीवर बीमारियों में फाइब्रोसिस लीवर लोब्यूल की जो रचना है उसको बिगाड़ सकता है, जिससे खराब कार्य और संभावित रूप से लीवर सिरोसिस हो सकता है। इसके बाद बचा है हमारा छोटा सा टॉपिक है पेरिटोनियम, उसके बाद फिर हम जो है लीवर की सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पेरिटोनियम क्या होती है उसे हम थोड़ा सा समझेंगे, बाकी तो ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको समझाने का कोशिश कर। तो पेरिटोनियम क्या है, मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो हमारी उदर गुहा होती है, पेट का जो एरिया है, वो लाइंस यानी रेखाबद्ध करती है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ढकती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें दो लेयर होती हैं, एक पेराइटल पेरिटोनियम, दूसरी है विसेरल पेरिटोनियम। तो पहले हम पेरिटोनियम की एक पिक्चर देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर हम अभी जो है पेरिटोनियम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पेरिटोनियम ये देखिए, यहाँ पर जो लेयर है, सभी को पिक्चर दिख रही है? ओके, ठीक है। सो पेरिटोनियम के बारे में हमने देखा था, इसमें दो लेयर होती हैं। ये जो यहाँ पर एक बारीक लेयर दिख रही है आपको, ये है पेरिटोनियम, जो हर एक ऑर्गन को कवर किया है इसने। ये पूरी जो कैविटी कहलाती है, ये एबडोमिनल कैविटी, कैविटी मतलब एक हॉलो हिस्सा या एक खाली स्पेस। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इसके अंदर एक कैविटी है, ये जो खाली भाग है ये कैविटी है, ठीक। इसी तरह से एब्डोमिनल ट्रंक है, जो यहाँ से लेके पूरा कमर तक जो है ये कैविटी है। उस कैविटी में अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है, कैविटी का मतलब समझ गए। तो अभी उस ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में फैली हुई एक लेयर है, इसको मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो इसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरा जो है विसेरल पेरिटोनियम। यहाँ देखिए, पेराइटल पेरिटोनियम ये ऊपरी हिस्सा हो गया, और विसेरल पेरिटोनियम मतलब इसका अंदरूनी लेयर, एक बाहरी लेयर एक अंदरूनी लेयर। सो पेराइटल पेरिटोनियम जो है एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो हमारा पेट की जो दीवार है, और डायफ्राम के निचली सतह को रेखाबद्ध करती है। विसेरल पेरिटोनियम, तो ये जो है इसको आंतरिक पेरिटोनियम भी बोला जाता है, यह एब्डोमिनल कैविटी के भीतर अंगों को ढकती है ये जो भीतर के जो अंग हैं उनको ये ढकती है, जैसे कि लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रिया, इन सब ऑर्गन को जो है कवर करके रखती है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पेरिटोनियम जो इतनी मजबूती से इन सब ऑर्गन को मजबूत तरीके से पकड़ के रखती है, और फिर जो है ये ऑर्गन भी आपस में लिगामेंट से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसीलिए ये अपनी जगह से हिलते नहीं है, या फिर जो है अपनी जगह फिक्स रहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी, सो इसको बोला जाता है स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसेरल लेयर, यानी कि अब दो लेयर के बीच में जो स्पेस है उसको पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में पेरिटोनियल फ्लूड भरा होता है, जो कि सतहों को चिकनाई देता है और अंगों की सुचारू गति को अनुमति देता है। अगर इसमें ये पेरिटोनियल फ्लूड ना हो तो क्या होगा कि वहां घर्षण पैदा होगा, एक ड्राइनेस आ जाएगी। तो उन ऑर्गन्स को जो है लुब्रिकेट रखना, वो भी इसकी जिम्मेदारी होती है ऊपर से। कभी कभी पेरिटोनियम की इन लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाने से ये फ्लूड बाहर छोड़ने लगती हैं, और जो है इन्फेक्शन होने से पेट में जो है पानी भरना भी शुरू हो जाता है।
तो पेरिटोनियम में इन्फेक्शन होने की वजह से उस इन्फेक्ट शरीर क्या है, इन्फेक्शन बाहर निकालने के लिए म्यूकस रिलीज करता है, फ्लूड। जैसे आपको सर्दी जुकाम होता है, लंग इन्फेक्शन होता है तो कफ निकलता है, जब आपको पेट में इन्फेक्शन होता है तो लूज मोशन लगते हैं, और जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन लगती है। तो इसी तरह से जब पेरिटोनियम में इन्फेक्शन होता है तो पेरिटोनियम में भी म्यूकस रिलीज होना शुरू कर देता है, जिससे कि वो किसी ना किसी माध्यम से जो है निकल जाए इन्फेक्शन। ये शरीर की नेचुरल प्रोसेस होती है। अब इसके फंक्शन क्या हैं? तो पहला फंक्शन है, महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो एब्डोमिनल ऑर्गन के ऑर्गन को एक सहायक ढांचा प्रदान करना और प्रोटेक्शन, संक्रमण और इंजुरी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करना, किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्शन से और चोटों से बचाने के लिए ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा है पेरिटोनियल फ्लूड, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। तो लुब्रिकेशन इसका दूसरा काम है, वो है उसमें क्या होता है, पेरिटोनियल फ्लूड के माध्यम से जो गतिशील अंगों के बीच में घर्षण को कम करने का काम, ताकि फ्रिक्शन कम से कम। तीसरा इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो पेरिटोनियम जो है लिक्विड फ्लूड को और जो सॉल्यूट है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्डोमिनल कैविटी और ब्लड सर्कुलेशन के बीच सेल्स और लिक्विड सब्सटेंस का सर्कुलेशन करने में ये हेल्प करती है। चौथा फंक्शन है इसका इम्यूनिटी से रिलेटेड। तो इसमें जो है कुछ इम्यून सेल्स होती हैं जो कि संक्रमण से लड़ने और सूजन को कम करने में मदद करती हैं। अब पेरिटोनियम से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं? तो पेरिटोनियम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। एक है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन आ जाना। जब पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन आएगा तो जो है आसपास के अंगों में भी इन्फ्लामेशन आ जाएगा, क्योंकि ये अंगों को कवर करती है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम की सूजन जो अक्सर संक्रमण यानी इन्फेक्शन या जलन के कारण होती है। इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? एक तो है पेट में दर्द, बुखार और मतली आना। दूसरा है जलोदर, एसाइटिस, पेट में पानी भर जाना। तो पेरिटोनियल कैविटी में अतिरिक्त पानी का भर जाना या तरल पदार्थ का संचय हो जाना एसाइटिस कहलाता। यह लीवर डिजीज में होता है, या हार्ट की गति अगर रुक जाए तब होता है, या फिर ये कैंसर के कारण भी हो सकता है। अक्सर एसाइटिस जो है ज्यादातर जो है लीवर डिजीज में देखा गया है, जैसे कि लीवर सिरोसिस हुआ, या एडवांस स्टेज में जब क्रॉनिक लीवर डिजीज हो जाती है तब जो है पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। लीवर डिजीज में अक्सर ज्यादातर देखने को ये मिलता है। तो इनके अगर जैसे पानी भर जाए तो उसके लिए फिर क्या है, एक वहां पर छेद बना के एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ रिब केज के पास कोई छेद बना के उसको फ्लूड को निकाला जाता है। या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पेरिटोनियम में जब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद कुछ टिश्यू स्कार टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं, वो जाके जो है आपस में चिपक जाते हैं, जो कि पेरिटोनियम को डैमेज कर सकते हैं। फिर पेरिटोनियल कैंसर भी हो सकता है, या पेरिटोनियम में मेटास्टेसिस हो सकता है, जो कि प्राथमिक या द्वितीयक यानी कि पेरिटोनियम में उत्पन्न होने वाला जो कैंसर है, प्राइमरी या सेकेंडरी रूप से कैंसर हो सकता है। एनाटॉमी देखा जाए तो
पेरिटोनियम की जो है फोल्ड जो है आंतों के को पीछे की दीवार से पेट की दीवार से जोड़ती है। इसके जो भाग हैं इसकी एनाटॉमी ये देख लीजिए। ग्रेटर ओमेंटम ये इसका एक बड़ा भाग है, ठीक। ये यहाँ पीछे से जो है आंतों को जोड़ती है। डगलस पाउच यहाँ पर है। ये सब चीज़ें जब आप और डीप जाएंगे तो काफ़ वहाँ पर जाके काम पड़ती हैं। इसमें आप इमेज में भी देख सकते हैं, सबका अपना अपना फंक्शन है। मेजेंट्रीज है, ग्रेटर ओमेंटम ये जो भाग है ना अभी बताया, ग्रेटर ओमेंटम ये कनेक्ट करता है स्टमक टू द कॉलन, जो हमारी आंतें रहती हैं उनको स्टमक और उससे कनेक्ट करता है। लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम का काम क्या है, कनेक्ट द स्टमक टू द लीवर, लीवर से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर मेजो अपेंडिक्स, कनेक्ट द अपेंडिक्स टू द इलियम। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं ये जो लेयर है ना एक दूसरे से कनेक्ट करती है। पिक्चर में आप देखें ये जो फैला हुआ नंबर भी आप देख सकते हैं, इसमें पहला है, इसको बोला जाता है लेसर ओमेंटम, जो कि क्या कर रहा है लीवर को जोड़ रहा है, ठीक। ट्रांसवर्स मीसो कॉलम ये सेकेंड नंबर। थर्ड पे स्मॉल बॉवेल मेजेंट्री, ये एक दूसरे को जोड़ रखी है। चौथा है सिग्मोइड मेजेंट्री, तो ये सिग्मोइड कॉलन को इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ये है पूरी पेरिटोनियम जो सारे ऑर्गन को अपनी जगह पे स्थिर रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जैसे मीजो सिग्मोइड, मतलब ये सिग्मोइड कॉलन को जोड़ती है। स्मॉल बॉवेल को जोड़ने वाली जो है पेरिटोनियम ये है। फिर मीजो कॉलन है, कॉलन को जोड़ने वाली है ना। इस तरीके से ये पेरिटोनियम अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को एब्डोमिनल कैविटी में जितने हैं उनको आपस में जोड़ के रखती है। फिर इसमें सर्कुलेशन है, जिसके अंदर फ्लूड सर्कुलेट होता रहता है, पेरिटोनियल फ्लूड होता है। और डीप जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें हैं। इलियोसिकल रीजन में है, इलियोकोलिक रीजन, रूट ऑफ द सिग्मोइड मेजेंट्री एंड पाउच ऑफ डगलस। यहाँ पर जो है पाउच डगलस, ये पेरिटोनियल पाथवेज है, किस तरीके से घूमता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए ये यहाँ से गया, ये जो एरो दिखा रहा है ये इसके फ्लूड के सर्कुलेशन के एरो हैं, पाथवेज है इसका पेरिटोनियल सर्कुलेशन। तो जो दो लेयर हैं उन दो लेयर के बीच में पेरिटोनियल फ्लूड सर्कुलेट होता रहता है, जो ऑर्गन को एक तरह से फ्रिक्शन से बचाता है और उसको जो है फ्री रखता है, मॉइस्चर प्रदान करता है ऑर्गन्स को। काफी सारी चीजें हैं इसमें, ये देख लीजिए। द पेरिटोनियम इज कंटिन्यूस टू द इन द मेल पेल्विस, इन वुमेन द पेरिटोनियम इज डिसकंटिन्यू एट द ऑस्टिया ऑफ द ओविडक्ट। ये सब, ये सारी जो लेयर है यहाँ पे ये अलग अलग ऑर्गन्स को पकड़ के इसने रखा है, कॉलन को रखा है। तो जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी तो फिर वो जो है पेरिटोनियम में भी फैलेगी। अगर इन्फेक्शन किसी और ऑर्गन में हो गया तो कई बार जो है पेरिटोनियम में भी जा सकता है। ये देखें ये है पेरिटोनियम का हिस्सा, ये जुड़ा है एक दूसरे से लिगामेंट के माध्यम से। हमने लिगामेंट के बारे में जब देखा था, ओमेंटम है, ओमेंटम इज डिवाइडेड इंटू द ग्रेटर एंड लेसर ओमेन, जो हमने देखा था। तो ग्रेटर क्या करता है स्टमक को जोड़ता है, और लेसर क्या करता है लीवर को जोड़ता है स्टमक से। तो
द ग्रेटर ओमेंट्रम इज सब डिवाइडेड इंटू गैस्ट्रोपोलिक लिगामेंट, येलो एरो जो दिख रहा है ये है यहाँ पे द लार्जेस्ट कंपोनेंट, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट अप टू द हाइलेस ऑफ द स्प्लीन, ये स्प्लीन पे यहाँ पे, फिर गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट नॉट शोन ऑन द इलास्ट, इसमें वो नहीं दिखती है। फिर इसी तरह से लेसर ओमेंटम है, तो लेसर ओमेंटम जो है डिवाइडेड इंटू टू, गैस्ट्रो हेपेटिक लिगामेंट कनेक्ट द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर टू द लेजर कब्ज कर्वेचर ऑफ स्टमक, जो इसका लेफ्ट लोब है उसको जोड़ती है स्टमक के साथ। फिर हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट, ब्लू एरो, ये जो ब्लू एरो है तो फ्री एज ऑफ द ओमेंटम विच कंटेन्स द पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड कॉमन बॉय, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट के बारे में, ये यहाँ पर होती है अक्सर, तो उसके अंदर से ये पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और कॉमन बाइल डक्ट होती है। तो इस तरीके से ये पेरिटोनियम के बारे में हमने देखा, इतनी जानकारी मेरे ख्याल से काफी है। तो यहाँ पर हमारी पेरिटोनियम, लीवर के लोब्स, लोब्यूल्स, हेपेटिक आर्टरी, हमने सर्कुलेशन देखा। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है लीवर की सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो तो सभी लोग अभी हम 1 मिनट का गैप लेंगे, किसी को पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए, फिर हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल आया है कि लीवर सेल दूसरी सेल से कैसे डिफरेंस होती है, कौन बताएगा, हैंड रेस कीजिए, मैं तब तक जो है ये आपका माइक्रोफोन ऑन करता हूँ। हैंड रेस करें जिसको मालूम है कि कैसे हमारी लीवर सेल बॉडी बॉडी के दूसरे सेल से डिफरेंट होती है। मैंने माइक ऑन कर दिया है, जिसको भी पता है वह बताएं। क्योंकि अब हम जो है सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई खास विशेषता लीवर सेल की? चलिए ये मैं वैसे बता चुका हूं लेकिन शायद आपको याद नहीं है। हाँ एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए जी। सर लीवर सेल को
हेपेटोटाइट कहा जाता है, जो हेपेटोसाइट। डिटॉक्सिफिकेशन या जी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटीन जो होता है उसको, व्हाट यू कॉल को, आई मीन क्लॉटिंग्स ब्लड की होने से बचाता है, प्रोटीन सिंथेसिस या जी बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रीजनरेशन में सेल्स की हेल्प करता है, ये सारी कुछ लीवर के सेल्स की विशेषताएं हाँ, सबसे बड़ी हैं। खासियत है लीवर सेल की वो ये है कि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि बॉडी की दूसरी सेल से इसको अलग करती है। ठीक है, अगर लीवर का आधा, अगर 90% लीवर भी खराब हो जाए, तो वह 10% जो लीवर है, अगर उसको प्रॉपर माहौल दिया जाए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया जाए, तो जो है वह अपने आप को डेवलप कर लेगा और एक दिन जो है 100% लीवर बनाया जा सकता है। तो ये लीवर की सेल के अंदर, जैसे कि छिपकली की पूंछ के अंदर, छिपकली में जो खासियत होती है कि उसकी एक बार पूंछ टूट जाए तो दोबारा बन जाती है, अच्छा, यही खासियत जो है लीवर सेल के अंदर होती है। ठीक है, चलिए अब हम जो है, वैसे अब 3 मिनट ही बचे हैं, तो लीवर की सेल के ऊपर जो है हम क्लास जो है अब अगले टॉपिक में रखेंगे। अगर आपके सवाल हैं तो अभी हम सवाल ले लेते हैं, 2 मिनट में वो फिर टॉपिक अधूरा छूट जाएगा, इसीलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फिर मुझे आप भेज दीजिएगा, तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। तो सुबह 7 बजे के पहले आपको जो है स्क्रीनशॉट भेजना है।